नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। जब से दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ है, हादसे में 3 छात्रों की जान चली गई, उसके बाद से लगातार छात्र नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी अपनी मांगें रख रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इस बीच सवाल उठने लगा है, जो छात्र आरोप लगा रहे हैं कि हम छोटे से कमरे में रहते हैं, बिजली के बिल के नाम पर वसूली की जाती है, मनमाना किराया लिया जा रहा है, ऐसे तमाम आरोप हैं जो छात्र लगा रहे हैं। यही जानने के लिए, इसके पीछे का सच जानने के लिए, किस तरीके से छात्र जो UPSC की तैयारी कर रहा है, कोई IAS बनना चाहता है, कोई SSC की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, कोई मतलब तमाम जो सरकारी नौकरी होती हैं, जो प्रतियोगिताएं होती हैं, परीक्षाएं, उनकी तैयारी करते हैं, ये लोग यहाँ कैसे रहते हैं, ये जानकर आपका दिल सहम उठेगा, कलेजा कांप जाएगा, आपको यकीन नहीं होगा कि ये कैसे रहते हैं। क्योंकि मैं अभी तस्वीर देख चुका हूँ, अब आपको दिखाऊंगा। तो मैं अभी दिल्ली के मुखर्जी नगर में हूँ, बत्रा सिनेमा के पास ये एक PG है जहाँ अलग अलग कोचिंग सेंटर के छात्र पढ़ते हैं। तो जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, शायद आपको ये आवाज़ आ जाए, ये लकड़ी के कॉटेज टाइप बने हुए हैं। इस एक छोटे, ये कितना बड़ा कमरा होगा, एक सेकंड, कमरे की भी हालत आपको दिखाए थे, मेरे हिसाब से ये तो काफ़ी बड़ा होगा। इसमें देखिए एक छोटा सा कूलर है, निकलने की भी जगह नहीं रहती, छोटा सा कूलर है, एक बेड है, एक छोटी सी अलमीरा रखी है और ऊपर पंखा चल रहा है। इसी में छात्र जीवन यापन अपना, इसी यहीं रहकर पढ़ाई करते हैं, किताबें बिखरी पड़ी हैं, कपड़े, मतलब पूरा देखा जाए तो सिर्फ पढ़ाई में मग्न हो रहते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, कल्पना कीजिए कि कितनी छोटी सी जगह में यहाँ छात्र रहकर अपनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। अब लेकिन जब से ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ है, तब से सवाल उठ रहे हैं कि जिस हालात में छात्र रह रहे हैं, वहाँ जान का जोखिम बहुत ज़्यादा है, छात्र लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो आप सोचिए, जैसा मैंने लकड़ी का दिखाया, रूम नंबर 208 था, वो रूम नंबर 202 लकड़ी का है, ज़रा देखिए रूम नंबर 203, अगर गेट का दरवाज़ा खोल दो तो निकलने के लिए जगह ना बचे, रूम नंबर 203, ज़रा इसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ भी छात्रों से बात करूँगा, उनका जो दुख दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, वो भी समझेंगे वो किस हालात में यहाँ रहते हैं। उससे पहले ये देखिए, यहाँ गेट पर कूलर रखा हुआ है, गर्मी है तो कूलर ज़रूरी है, लेकिन यहाँ निकलने में भी कितनी मुश्किल हो रही है। ये कमरा मुझे नहीं लगता है कि क्या साइज़ होगा इस कमरे का, 6 से 7 फुट इसकी चौड़ाई होगी, 6x8 के आसपास का, ये 6x8 के आसपास का कमरा है, जहाँ इसी में रहना है, इसी में खाना है, इसी में पढ़ना है, इसी में अपना जो एक प्रतियोगिता का जो वक्त होता है, जो कुछ पढ़ाई का जो वक्त होता है, जो सिविल सेवा की जो तैयारी कर रहे हो, तो उसका जो वक्त होता है, एक लंबा अरसा इसी में छात्र यूँ ही अपनी सालों साल गुजार देते हैं। यहाँ एक छोटी सी अलमीरा है और इसका किराया कितना है वो सब आपको बताऊँगा, कितनी तकलीफ होती है, कितनी समस्याएँ रहती होंगी, क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं, उमस यानी जो गर्मी होती है वो निकल रही है, जिसके लिए यहाँ छात्र ने कूलर के इंतज़ाम भी कर रखे हैं। यहीं पर बाल्टी रखी हुई है छोटे छोटे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा आए ज़रा दिखाएं इन तस्वीरों को, जो देश के अलग अलग कोने में जो लोग सपना सोचकर बैठे होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वो भी ज़रा देख लें कि किस तरीके से यहाँ सरकारी नौकरी की तैयारी में युवा पूरी लगन के साथ पढ़ते हैं, किस तरीके से उनको रहना पड़ता है। यही वजह है कि अब वो सिस्टम पर सवाल खड़े करने लगे हैं और अब ऐसी परिस्थिति में रहकर इतनी मजबूरियों के बाद फिर जान चली जाए तो कितना बड़ा दुख होता होगा, ज़रा सोचिए आप। क्या है कमरा, अगर आप कहीं गांव देहात में रहते होंगे, अपने घर में रहते होंगे, परिवार के साथ मिलजुल कर रहते होंगे, तो सोचिए कि ये क्या मायने रखता है, एक 6x8 या 6x9 का कमरा, ऐसा सिर्फ एक कमरा नहीं है, ये लकड़ी के है, अगर आपको विश्वास ना हो, बज रहे, जोखिम कितना है वो भी समझिएगा। मान लीजिए लकड़ी के हैं, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, तो यहाँ से कोई वेंटिलेशन नहीं, जान बचाने का कोई रास्ता नहीं। और ये मेरे हिसाब से ये ओपन एरिया था, जिसे बीच में लकड़ी के पार्टीशन करके यहाँ पर PG टाइप बनाया गया है, क्योंकि हाँ ये लकड़ी से पूरा ये पार्टीशन करके इसको बनाया गया है PG का, यानी देखा जाए सिर्फ कमाई का जरिया बना लिया गया है। अब यहाँ के जो तमाम छात्र हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से जो कमरे हैं उनका ज़रा साइज़ दिखा देते हैं कि कितनी मेहनत करते हैं छात्र इन छोटे से 6x8 के कमरे में, 5x5 के कमरे में, 10x10 के कमरे में, यहाँ बड़ी लगन के साथ मेहनत की जाती है। और जब ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे हादसे हो जाएं, उसके बाद हर किसी की आंखों में आंसू होने लाजमी है। देखिए ये दीवार है, लेकिन यहाँ कपड़े इनको सुखाने होते हैं, यहाँ
जो बिजली के मीटर लगे हुए हैं सबके अलग अलग होंगे, सबके अलग अलग मीटर होते होंगे ना, सबके अलग अलग मीटर हैं। तो यहाँ इन दिनों विकास दिव्य की कीर्ति जी बहुत चर्चा में है, दृष्टि IAS के फाउंडर, उनको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, सवाल उठ रहे हैं कि वो छात्रों की जो मौत हुई है, जो जान गई है, उस पर उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी। तो जिस PG में मैं हूँ इस वक्त, वहाँ दृष्टि IAS के जो कोचिंग लेने वाले कई छात्र रहते हैं, वो भी कोई उत्तराखंड का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, तमाम अलग अलग जगह से। मैं फ़िलहाल इस PG के फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। ज़रा आपको अब छात्रों की जुबानी, जो पूरी कहानी है, संघर्ष की कहानी, या ये कहूँ जोखिम भरे जो ज़िंदगी है उसकी कहानी, या जो तमाम जितने सवाल हैं उसको लेकर छात्रों से बात करेंगे। तो यहाँ तमाम छात्र हैं जो दिन रात इसी 8x10, 6x8 के कमरों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सालों साल यूँ ही गुजर जाती हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा आगे आएँ, ये हौसला ना टूटे उसके लिए तमाम श्लोक होते हैं, कृष्ण की चेतावनी है, महाजनपद हैं, ये पढ़ाई के एक तरीके से फॉर्मूले हैं, नोट्स हैं, यहाँ चिपके हुए होते हैं। अब ज़रा कमरे देखिए, ये मेरे साथ ये देखिए बैग, इसी छोटे से कमरे में बैग हैं, इसी छोटे से कमरे में कपड़े रखे हुए हैं, इसी छोटे कमरे में कूलर है, इसी में खाना खाना होता है, इसी में जो बाकी सारी चीज़ें, एक ज़िंदगी पूरी सिमट कर रह जाती है, एक लंबा संघर्ष, वो इसी में है। यहाँ तमाम नोट्स चिपका रखे हैं, यहाँ पूरे जो भारत का मैप है, क्योंकि जो UPSC की तैयारी होती है, जो सपना होता है, एक बड़े ओहदे पे जाना होता है, तो पूरे देश की जो समस्याएं होती हैं वो सब जानना समझना भी ज़रूरी होता है। लेकिन आपका नाम क्या है? लोकेश। लोकेश, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के नैनीताल का। उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा। यस सर। तो ज़रा दर्शकों को, देश के लोगों को ज़रा बताइए कि कितनी जोखिम भरी ज़िंदगी है, कितनी मुश्किलें हैं, क्योंकि आवाज़ें अब उठने लगी हैं। मुश्किलें तो बहुत हैं यहाँ। कैसा रहता है पूरा दिन और रात का जो पूरा सिलसिला है इसी एक छोटे से कमरे में? तो दिन भर तो कोचिंग चलती है, रात को रहना हुआ तो रात को दिक्कतें बहुत होती हैं। जैसे गर्मी है फिलहाल, तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है इसके साथ। मतलब मैं अगर आपको एक लाइन में समझाऊँ कि ठीक से खड़े होने की जगह नहीं है, यहाँ बेड है, यहाँ कूलर है, यहाँ मतलब ठीक से खड़े होने की, सोने की, ये इस पर शायद नींद पूरी हो जाती होगी आपकी, ऐसा लगता है ऐसे किसी ट्रेन में, किसी वो डब्बा में जा रहे हैं हम लोग बैठ के, उस टाइप का इंतजाम। यही है सर। परिवार वालों से बात होती होगी, या कभी खुद में नहीं लगता कि हम क्या क्या जिंदगी है ये, मतलब उस टाइप का, सरकार को कुछ सोचना चाहिए? संघर्ष के दिन सर तो ऐसे ही करने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे संघर्ष का समय। ये ज़रा देखिए ऊपर पंखा है, हमें भी यहाँ खड़े खड़े पसीने आ गए, खैर गर्मी है, लेकिन ये देखिए यहाँ पूरा ये संसार यानी पूरी दुनिया का ये मैप है। यहाँ पर ताकि हौसला ना डिगे, जो मंजिल है उस पर टिके रहें, जो लक्ष्य है उस पर टिके रहें, उसके लिए यहाँ मोटिवेशनल जो होती हैं, जो स्पीचेस होती हैं, मोटिवेशनल कविताएँ होती हैं, उन सबको ये रिमाइंड करते रहते हैं, सुबह सोते जागते, खाते पीते, हर वक्त। अच्छा, मैं योगेश ना, लोकेश, मेरा आप सवाल है कि छात्रों की मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं, विकास दिव्य कीर्ति हो, अवध ओझा हो, खान सर, तमाम लोगों की तरफ, कि आप इतना बड़ा एम्पायर है आपका, इतना बड़ा हादसा हो गया, आप तमाम मतलब मोटिवेट करते हो लोगों को, आपको सुनकर लाखों लोग, लाखों युवा दिल्ली दौड़े चले आते हैं, लेकिन जब हादसा हो जाता है उसके बाद ना तो कोई संवेदना जाहिर की जाती है, ना ही एक दुख प्रकट किया जाता है, बल्कि सबने खामोशी की चादर ओढ़ ली है। सर हाँ, इसमें सर को बोलना चाहिए था, संवेदना जाहिर करनी चाहिए थी अपनी सर। और कितने जोखिम रहते हैं? नीलेश राय सुना होगा, प्रीलिम्स उनका हो गया था, लेकिन मेंस होना था तो सिस्टम था, बारिश थी, करंट से जान चली गई, तो कितना दुख होता होगा ये सब सोचकर? सर दुख की तो बात है ये, लेकिन यहाँ दिल्ली में यही प्रॉब्लम बहुत सारी है ना सर, रहने की प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम है, जाने की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है दिल्ली में। हर सरकार, हर नेता, हर अफसर बात करते हैं देश का युवा भविष्य होता है, तो देश के युवा के लिए जब ऐसे इंतज़ाम हो, ऐसी सुविधाएं हो, तो उसे सोचकर दिल में चुभन नहीं होती, दिल रोता नहीं है? दिक्कतें तो सर बहुत सारी हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, यहाँ और व्यवस्था है नहीं यहाँ रहने की। तो कितना किराया होगा इस रूम का? इसका 8500 है। 8500? 8500। अच्छा, घर से मान लो जो मिलता है 10-15 हज़ार, कैसे कैसे खर्चा चल पाता हो, क्योंकि यहाँ तो बिजली का बिल क्या होगा, क्या क्या यूनिट है?
सात है शायद जहाँ तक, कोई बता रहा 10-12 भी होते हैं, ये पूरा पक्का नहीं है, अपने अपने पीजी का अपने अपने हिसाब से करते हैं शायद ऐसे ही है। और बिजली का बिल महंगा हो गया, ये हो गया, इसके अलावा एक जो फिक्स अमाउंट आता होगा, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं प्रतियोगी ताकि तैयारी में लगे छात्र? चल जाता है, अब काट काट के हो जाता है सर। ये बहुत से लोग कहते हैं कि नाश्ते के पैसे बचा लेते हैं, कई बार एक वक्त का खाना नहीं खाते, ऐसा भी इतनी भी अभी होनी हुई है। मतलब आपके साथ नहीं, बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे, आपने सुने होंगे? सुना बहुत है सर, ऐसी मतलब इतनी दिक्कतें भी नहीं है, लेकिन हो जाता है, गुजारा चल जाता है, ऐसा नहीं। मतलब काट लेते हैं अपना, पर्याप्त रुपए मिल जाते हैं घर से, ऐसा नहीं है। अच्छा, घर से मिल जाते हैं। घर वालों से कभी बातचीत होगी तो वो कहते नहीं होंगे कैसे बेटा? हाँ सर, रेगुलरली बात होती तो है, तो मतलब कहते नहीं होंगे कैसे? वो बोलते थे बहुत छोटा रूम है इतना, तो कैसे कर लेते हैं, अभी संघर्ष के दिन चल रहे हैं तो ये चीजें काटनी पड़ेंगी। अच्छा, ऐसे श्रेया, नेविन, तान्या, इन सब के नाम सुनोगे, नीलेश, ये भी ऐसे ही संघर्ष के दिनों में, लेकिन जिंदगी छीन ली, उसका कसूरवार जिम्मेदार कौन है सर? इसमें तो प्रशासन का दोष लगता है सर, सुविधाएं या व्यवस्था उतनी अच्छे तरीके से नहीं है, ऊपर से फिर कोचिंग के मालिकों को भी देखना चाहिए, उनका भी फेलियर है, उनका भी फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है। अच्छा, कितनी दृष्टि आई है इसकी? आप वहाँ पढ़ते हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कितना फीस है? अगर सारे कोर्सेज लगा लें तो 2.5 लाख के आसपास पड़ेगा साल और का। खाली सिंपल GST है तो 1.30 के आसपास पहुँच। मकान मालिक जो किराया लेते हैं वो कैश में लेते हैं या अकाउंट में, कैसे? दोनों चलते हैं, कैश भी दे दो और ऑनलाइन अकाउंट में GST मांगते हैं, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं। बिल देते हैं? बिल अगर मांगो तभी देते हैं, अपने मन से नहीं देते, अपने मन से नहीं देते, उनसे बोलना पड़ता है। मतलब देखा जाए तो GST की भी चोरी हो रही है ऐसा हाँ कहा जा सकता है, टैक्सेस चोरी। अच्छा जी, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ सिर्फ लकड़ी का ये सब है, तो मुझे लगता है पार्टीशन करके ये खाली जगह को बना दिया गया है पीजी टाइप, शायद ऐसे होगा सर, मेरे आने से पहले तो ऐसे ही था। ऐसा ही था। आपको कितना वक्त हो गया? मुझे तकरीबन 6-7 महीने हो गए। तो लोकेश का हाल आपने जाना, यहाँ हम बैठकर बातचीत करना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि जगह उतना स्पेस है नहीं। कुछ और छात्र भी है जो लोकेश की तरह ही किसी और जगह से होंगे, नाम दूसरा होगा, जगह दूसरी होगी, रहने वाले कहीं और के होंगे, शायद कोर्स अलग हो, तो उसकी भी तैयारी कर रहा है। आगे भी कुछ है क्या? थोड़ा सा अंधेरा होगा लेकिन थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं। यहाँ नियम भी लिखे हुए हैं, यहाँ दो लोग रहते हैं शायद ना? आपका नाम क्या है? मेरा नाम निर्मल राठौर। निर्मल जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्वालियर MP से। ये मध्य प्रदेश से हैं। जरा इनका भी रूम देख लीजिए यहाँ, ये अच्छा आपका और अंदर है, और अंदर है इसमें रूम। अच्छा एक बात बताइए, आपसे नीलेश भाई या जो भी आप लोग रहते हैं उनसे पूछें कि अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा आगे आएँ, यहाँ ये रूम नंबर 206, ये भी रूम है, ये तो अंधेरा बिल्कुल गुमनाम टाइप हो रखा है यहाँ तो। हाँ तो आपका रूम किधर है? अरे बाप रे बाप, हमें हैरानी हो रही है, यहाँ से अंदर आ गए। अब ज़रा देखिए रूम नंबर 211, 206, 208, 204, 5 वो सब हम पीछे छोड़ा है, यहीं ऐसे सामान पड़ा हुआ है। अब आपका रूम नंबर है 212, ये रूम नंबर 212 है, ये नीलेश आपका निर्मल राठौर, निर्मल राठौर, ये निर्मल राठौर हैं, यहीं वॉशरूम है। तो अगर कोई छोटा सा भी हादसा हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो जाए, आग लग जाए, तो यहाँ से बचने का रास्ता तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बाहर कैसे भगदड़? वैसे इन्होंने व्यवस्था की रखी है ऐसे SPG में, हाँ। ऐसे शॉर्ट सर्किट का नहीं है, इधर शॉर्ट सर्किट होगा तो मीटर सब ऐसे नीचे ही है, बाहर ही है। हाँ। हाँ, तो शॉर्ट सर्किट मान लो, मतलब खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर का आपने देखा होगा, पानी एकदम से आ गया कि जान बचाना मुश्किल पड़ गया, 3 लोग बच्चों की मौत हो गई, तो लगता है कि उतने पर्याप्त इंतजाम रहते हैं NPG में? इतना पर्याप्त नहीं रहते, सभी जगह ऐसा ही पूरा मुखर्जी। आपका किराया कितना है? किराया इधर 7,500 रुपये। 7,500 बिल्कुल अंदर जाकर। चलिए, इनका भी वही है, इनका थोड़ा कमरा बड़ा है, शायद दो लोग रहते होंगे। दो लोग रहते हैं। हाँ, तो जो हमने अभी आपको लोकेश का जो बताया था, जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी छात्र, वो अकेले कमरे में रहते थे, यहाँ जो थोड़ा बड़ा रूम है लेकिन वो 2 बेड वाला रूम है, अब थोड़ा सा यहाँ भी छात्र रहते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही रूम होगा इन्हीं की तरह जो इन्होंने बताया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें, ज़रा खुद ज़रा इमेजिन करके देखिए, सोच कर देखिए ज़रा कि क्या कितनी मुश्किलें हैं, कितना संघर्ष है, और जो छात्र अब मांग उठा रहे हैं सरकार से, सिस्टम से, जब से ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ है, उनकी मांगें कितनी जायज़ हैं, आप खुद बता सकते हैं, खुद सोच सकते हैं
खुद परख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं सब कुछ आप। कोई ये जो तस्वीरें हैं यही सब कुछ पूरी कहानी बयां कर रही हैं कि हाँ रूम नंबर 202 शायद ये अंदर से बंद हैं, कोई छात्र होंगे यहाँ पढ़ रहे होंगे, कुछ छात्र यहाँ बाहर हैं उनसे ज़रा बात कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं संघर्ष कितना बड़ा है, चुनौतियाँ कितनी ज़्यादा हैं, जोखिम कितना ज़्यादा है इस तैयारी के वक्त में। आपका नाम? तुषार। तुषार आप कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा से, उत्तर प्रदेश से। अलग अलग जगह से, अलग अलग कोने से यहाँ पर लोग आते हैं, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो कितना मुश्किल भरा जीवन है ऐसे पीजी में रहना, वो भी जब से ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ, छात्र मांग कर रहे हैं बिजली का बिल ज़्यादा होता है, किराए के नाम पर मनमानी रहती है, छात्रों की जो जिंदगी पर कदम कदम पर खतरे हैं, ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। आप कैसे देख? दिक्कतें तो हैं यहाँ पर, जैसे अभी एक अंडरग्राउंड में लाइब्रेरी थी तो वो बंद हो गई थी, उन्होंने मुझसे 500 रुपये ले लिए थे, मैं नाइट में मतलब नाइट शिफ्ट की लाइब्रेरी थी, उन्होंने मेरे को पैसे ही नहीं लौटाए। तो ये शिकायत बहुत रहती है कि बंद हो जाए पैसे नहीं लौटाता है। पैसे नहीं लौटाए। अगर आप एडमिशन ले लेंगे किसी कोचिंग सेंटर में? दो दिन पहले पैसे दिए थे, दो ही दिन पहले, और लाइब्रेरी बंद हो गई थी, उन्होंने बोला था मैं एमसीडी वालों को हमें हॉल खाली दिखाना है, फोटो खींच के उन्होंने बोला। फिर मैंने फोन करा 4 दिन बाद कि हफ्ते भर बाद लाइब्रेरी खुलेगी, पर फिर खुली नहीं, फिर मैं भी कितना फोन। एक सवाल और, एमसीडी यहाँ सवालों के घेरे में है, आप लोग कदम कदम पर देखते होंगे एमसीडी की कितनी बड़ी लापरवाही है, ये कहें कि पूरा सिस्टम करप्ट, कहीं बेसमेंट में कुछ चल रहा है, कहीं तार, कहीं गड्ढे, कहीं कुछ। एक घंटा पानी बरसता है पूरा नदी बन जाता है, ये पूरा रोड यहाँ तक का पानी आता है, कतई नाई चल जाएगी यहाँ पर। तो आपका नाम क्या बाबू? राज। राज, आपने नीलेश राय का सुना होगा, कुछ दिन पहले करंट लगने से पटेल नगर में एक छात्र की मौत हो गई, तो कुछ ऐसा ही मंजर, कुछ ऐसे ही हालात, नीलेश की जगह कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यदि तार सॉकेट हो जाए, इधर पानी में गिर जाए तो पानी भरे, तो कोई भी हो सकता है। तो मतलब उसकी एक हादसे के बाद भी सबक लेने की कोई, आप खुद ही देखे ना वायर का क्या हाल है, थोड़ा वायर्स का भी हाल दिखा दें यहाँ पे। यहाँ तो फिर भी ये देखिए, ये पूरा यहाँ तार फैले हुए हैं, लेकिन ये फिर भी हम एक ऐसे पीजी में आए जो रोड के पास है, अगर हम गली कूचों में जाएंगे थोड़ा अंदर तो वहाँ पूरी गलियों में तार ही तार भरे रहते हैं। यहाँ तो फिर भी ठीक है, व्यवस्था थोड़ी बहुत, पर और अगर आप और पीजियों में जाओगे और अंदर गलियों में जाओगे वहाँ व्यवस्था बहुत खराब है। राज, आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं? ऊपर अंदर रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर इसमें और अंदर फर्स्ट फ्लोर पे, अंत में इनके साथ ही, किसी के साथ? भैया के साथ। अच्छा, भैया किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। घर वाले जो पैसे देते हैं, किस मुश्किल से गुजारा होता है, घर छोड़ के यहाँ छोटे से कमरे में रहना, कितनी चुनौतियाँ, कितना मुश्किल। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, महंगी बिजली है, महंगा किराया, मनमानी चल रही है, उसमें भी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, इतने हादसे हो रहे हैं। अब होता तो है, लेकिन अब सपना है तो उसे पूरा करने के लिए तो अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इन सब लेकिन सरकार उस सिस्टम पर कभी गुस्सा नहीं आता कि हम होते तो बदल देते कुछ? अगर सरकार साथ दे तो हो सकता है, लेकिन जो सरकार में जाते हैं वो भी तो यहीं से चुन के जाते हैं, उनको भी तो पता होगा कि यहाँ पर क्या। जो कल आए थे एसपी साहब, उन्होंने बोला तो मैं 4 साल पहले यहीं से होकर गुजरा हूँ, तो उन्हें तो पूरा पता होगा यहाँ के कर्मकांड, वो तो कुछ ना करते। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो श्रेया, वो नेविन, वो तान्या, वो नीलेश, वो भी तो इसी सपने को पूरा करने आए थे जहाँ आपके सिस्टम ने जान ले ली? वही तो, वो भी इसी गर्मी में जूझ कर पड़े होंगे, वो भी जानते होंगे यहाँ पर तार कैसे फैले रहते हैं, वो भी जानते होंगे कि यहाँ पर पानी कैसे आता है। मतलब IAS IPS बन के जिम्मेदारी भूल गए, उन दिनों को भूल रहे हैं उन दिनों को। सिस्टम बदलने की जगह चलने दीजिए, यहाँ पट्टी बांध लीजिए, सस्पेंड, अगर सस्पेंड हो जाए फिर से तैयारी शुरू करें, फिर पता लगेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको फर्स्ट फ्लोर की तस्वीर दिखाई, मैं अपने एक सहयोगी हैं गौरव, जरा आइए आप हमें ग्राउंड फ्लोर का भी जरा दिखाइए क्या है यहाँ पर। तो ये मैंने आपको दिखाया किस तरह से, किन मुश्किलों के बीच, किन हालातों में यहाँ छात्र रह रहे हैं। दीवारों के कमरे नहीं थे, हैरानी ये है कि लकड़ी के जो कॉटेज टाइप होते हैं पार्टीशन, उनको बना दिया गया। ये भाई कहाँ घूम रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ खुली हवा रहती है नहीं अंदर, तो आप खुद ही सोचिए सफोकेशन और तमाम चुनौतियाँ हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही छात्र रह रहे हैं। अब आपको एक तस्वीर और एक नज़ारा और दिखा देते हैं, जैसे कुछ ऊपर था वैसे ही रूम नंबर 102, रूम नंबर 102। तो यहाँ भी कोई छात्र होगा 102 में, उनसे बात करें क्या?
ये ताला लगा हुआ है, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ भी ताला लगा हुआ है 103, जबकि हम इससे पहले आए थे तो शायद ताले खुले हुए थे 104, यहाँ भी ताला लगा हुआ है। शायद बहुत से ऐसे छात्र होंगे, बहुत से जो डरे सहमे होंगे, जैसे हुआ राउज आईएएस जो जहाँ हादसा हुआ उसके छात्र सामने नहीं आ रहे, कुछ वैसे ही कैमरे के सामने आकर अपना जो दर्द है, पीड़ा है, वो जाहिर नहीं कर पाते। किसी को डर रहता है कहीं मुकदमा ना करा दे, मकान मालिक घर खाली ना करा दे, कहाँ जाएंगे, कैसे तैयारी करेंगे, तो ये डर भी है। इसी डर की वजह से आज सिस्टम इतना हावी हो चुका है कि छात्रों का ये हालत हो चुकी है। रूम नंबर 105 हम इसे नॉक कर रहे हैं। अभी हमारी एक छात्र हैं, अंदर रहते हैं, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हम भी अपना जो संघर्ष है, अपनी जो परेशानियाँ हैं, हम किस हालात में रहते हैं, हम वो बताएंगे। तो यहाँ पर भाई हैं, शायद सो रहे होंगे, इनसे भी जान लेते हैं। भैया, कौन से कोचिंग सेंटर में, किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं? जी, इजी क्लासेस है। इजी क्लासेस, इजी क्लासेस में आप भी दो लोग रहते हैं यहाँ पे, या दो लोगों का ही बेड है? दो लोग का है। क्या रेंट होगा इसका? इसका 7.5। 7.5 पर शीट? 7.5 मतलब 7.5 15,000। कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा। आगरा के। कितना फीस लिया था जब कोचिंग सेंटर में आए थे? 1,20,000 जीएस का। किसका? 1,20,000। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी। यूपीएससी में सिर्फ जीएस सब्जेक्ट का 1,20,000? अब सोचिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट का 1,20,000 रुपये, यानी साल का 10,000 रुपये वो ले रहे हैं। 7,500 रुपये एक बेड, सोने के लिए, रहने के लिए, एक ये छोटे, शायद ही इस पर ये इनकी हाइट इतनी है तो शायद ही अच्छे से नींद भी पूरी हो पाती होगी। बाकी गर्मी से बचने के लिए कूलर लगा रखा है, यहाँ किताबों और पूरे कॉपियाँ हैं जो टेबल पर पूरा बिखरी हुई हैं, इन्हीं में पढ़ना है, यहीं ज़िंदगी गुजारनी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ उसके बाद छात्र नाराज़ हैं, बोल रहे हैं कि छात्रों की सेफ्टी पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सिस्टम ने छात्रों को लाचार, मजबूर और बिल्कुल मरने के लिए छोड़ रखा है। कुछ लोग अभी आपके साथ ही ऊपर जो हमें मिले थे वो कह रहे थे कि यहाँ भी पानी भर जाता है। हाँ, भर जाता है। हाँ, तो करंट का कोई खतरा, ये सब? यहाँ पानी भर जाता है, एक एक दिन तक भरा रहता है यहाँ पर पानी। एमसीडी कोई काम नहीं कर रही है यहाँ पर। कोई काम नहीं कर रही? कोई काम नहीं कर रही, इतना इतना पानी भर जाता है यहाँ पर। कैसे बदलेगा ये सिस्टम दोस्त? एमसीडी करना चाहिए सरकार को, एमसीडी पे कार्रवाई वगैरह करनी चाहिए। इसी मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, याद होगा आपको, संस्कृति आई, इसमें बच्चे कूदे थे ऊपर से, उसके बाद भी हालात ऐसे ही, एमसीडी कोई मकान पर जू नहीं रहती उनके। तो इस सब का सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? कोचिंग सेंटर्स को, सिस्टम को, एमसीडी, सरकार, किसको? पहले नंबर पे तो एमसीडी है, उसे जांच करनी चाहिए भाई, यहाँ इतना बच्चा रह रहा है, सबसे यहाँ सब 10,000 से कोई कम नहीं खर्च कर रहा होगा यहाँ पे, मेरी समझ से। खाना भी बाहर ही खाते होंगे? यही बनता है, ऊपर मिलता है। ऊपर मिलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ यही इसी कमरे में सपने संजोए जाते हैं, सपने बुने जाते हैं। पीछे भी कुछ रूम नंबर 106 एक दोस्त हैं, लेटे हुए हैं, हंस रहे हैं, शायद उनको हंसी आ रही है, वो कैमरे से बच रहे होंगे। गेट खोलिए दोस्त, गेट खोलिए। क्या हुआ? ये अभी शायद सो रहे थे क्या? अच्छा, इधर आ जाइए, थोड़ा सा ऐसे ही आ जाइए। क्या नाम है आपका? थोड़ा पास नहीं बोलेंगे तो कैमरे में, उसमें माइक में आवाज़ नहीं। अच्छा, सोकर उठे, देखिए इधर आप, कैब बस इनका देख लीजिए, रूम देख लीजिए, रूम नहीं है, किचन है क्या? बाथरूम है ये? बाथरूम किचन ऐसा ही है कुछ, बाथरूम किचन जैसा ही लग रहा है। और देखिए यहाँ सिर्फ किताबें हैं, यहीं सो रहे हैं। अच्छा, ये बाथरूम है, इसे किचन बना दिया है। अच्छा, बाथरूम तोड़ कर इसी को, देखिए अब जरा खुद ही इन तस्वीरों को देखकर छात्रों की जो संघर्ष है, छात्रों का, छात्रों के जो स्ट्रगल है, जिंदगी है, जो जी तोड़ मेहनत है, उसका अंदाज़ा आप लगाइए और सोचिए कि कैसे सिस्टम अपने निकम्मेपन की वजह से, नकारेपन की वजह से इस हाल में यहाँ छात्र जी रहे हैं। छात्र अक्सर आरोप लगा रहे हैं कि रेंट कमिश्नर होता है लेकिन पता नहीं, मनमाना रेंट है, मनमाना बिजली की वसूली हो रही है, छात्रों से हर तरीके से मनमानी हो रही है, और अब जान का जोखिम है, उसका खतरा ज़्यादा बढ़ चुका है।
राजेंद्र नगर हादसे के बारे में सुना होगा आपने, दुख हुआ होगा बहुत। थोड़ा सा आगे आइए आप, कोई बात नहीं, नींद में है कोई बात नहीं, ये तो ज़िंदगी का पार्ट है, यहाँ सब ऐसे ही है। तो थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। आपका नाम क्या है दोबारा बताइए? विमल। विमल जी कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी कानपुर। कानपुर के हैं आप? तो थोड़ा सा और आगे आइए, कानपुर के हैं तो आप इतना क्यों शर्मा रहे हैं कुछ बोलने में? कितना किराया है इसका? ये खुकड़ी से खुकड़ी बोलते हैं क्या, रसोई टाइप बोलते हैं, रसोई नुमा जो घर है आपका, मतलब कमरा है, कितना किराया है इसका? 8,000 है। 8,000 रुपये इसका? कट जाती है इसमें जिंदगी? अब जिंदगी क्या, लाइब्रेरी से आया हूँ बस थोड़ा देर सोने के लिए। सोकर फिर चले जाएंगे? हाँ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी। कौन से कोचिंग में पढ़ रहे हैं? दृष्टि। विकास दिव्य कीर्ति जी वाले? अच्छा, हमने एक दोस्त लोकेश हैं ऊपर, उनसे भी सवाल पूछा कि जब ये हादसा हुआ तो सब लोग कह रहे हैं विकास दिव्य कीर्ति जी ने बहुत गलत किया है, संवेदना जाहिर नहीं की, दुख जाहिर नहीं किया, जो जिनको सुनकर आप लोग आते हैं यहाँ दिल्ली में, हजारों लाखों युवा आते हैं, उन्होंने इस हादसे के बाद एक शब्द नहीं कहा, दुख जाहिर नहीं किया छात्रों के प्रति, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई। तो इसे कैसे देखते हैं, गलत है ये? गलत क्या, सबके साथ अब ऐसा ही हो रहा है, अब क्या करें अपने? बेबसी है, लाचारी है, क्या क्या कर सकते हैं छात्रों ने, पढ़ना है, सपना पूरा करना है। और क्या, फीस तो जमा हो ही गई है, अब क्या छोड़ के भाग नहीं सकते हैं ना? नहीं तो छोड़ के जाएंगे तो फीस वापस नहीं मिलेगी। और क्या, फीस कोई वापस करता नहीं है, अब फीस तो जमा हो ही गई, अब क्या करें? अब कुछ भी आए, भूकंप आए, कुछ भी आए, कोई भी आपदा आए, यही रहना है, यही रहना है। कितनी फीस लिए हैं? 1,30,000 लिए ओनली जीएसटी। सिर्फ जीएसटी? हाँ। अभी एक साथी मिले तो उन्होंने बताया 1,20, किसी से 1,30, मतलब कोई फिक्स नहीं है। 2022 में मैंने एडमिशन लिया था मई में, तब जीएसटी ओनली जीएसटी 1,30 थी। अच्छा। हाँ। 1,30 वो हो गया 10,000 रुपये से ज़्यादा, 11,000 रुपये के आसपास महीने का, और 8,000-9,000 रुपये ये हो गया। और उसके बाद छात्रों की ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़, वो सब अलग। बहुत रिस्क है ना। घर पे बात नहीं हुई, डर नहीं लगा होगा कभी, या घर वालों ने फ़ोन नहीं किया? चिंता सताती है कि भाई आप रह रहे हो, आप संभल के रहना, ऐसा कुछ? घर पे बात हो जाती है एक हफ्ते, अभी तो एक हफ्ते हुए घर पे बात हुई। लाइब्रेरी की कितनी फीस जाती है? लाइब्रेरी की फीस लेते हैं 1,500 रुपये 6 घंटे के। 6 घंटे रोज के, साल के 1,500? नहीं, 6 घंटे रोज के 1,500 रुपये। महीने के 1,500 जी। अच्छा, और यहाँ जो बिजली का बिल है वो कितने रुपए यूनिट होगा? 10 रुपये यूनिट, कहीं कहीं 8 रुपये यूनिट देते हैं। अच्छा, तो यहाँ मिला जुला हिसाब है, वो कहावत है ना, जिसको जितना लूट सको उतना लूट लो। ये साहब भाई थे, उन्हें जीएस का पैसा देना पड़ रहा है 1,30,000, किसी को 1,20,000, शायद किसी का 1,50,000 भी होगा, किसी का 1,00,000 भी होगा, वही है जितना लूटा जाए लूट लो। तो ये हमने एक बॉयज़ पीजी था उसकी, वहाँ जो छात्र रह रहे हैं उनकी समस्याएं, उनकी लाचारी, उनकी दुश्वारी, ये सब आप तक पहुँचाई, किस तरीके से इन छोटे छोटे कमरों में अपने सपने सजो रहे हैं, सपने बुन रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, और उसके बाद जब ओल्ड राजेंद्र नगर जैसा हादसा हो जाए तो ये दिल रोने लगता है, ये दिल सहमने लगता है, और पूरी जो शरीर है वो कांपने लगता है, सवाल मन में ज़िंदगी को लेकर उठने लगते हैं। फिर किसी और पीजी का भी आपको हाल दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, मुखर्जी नगर, दिल्ली। नमस्कार।